रोमन रेंज ने उसोस को किसके लिए ऑर्डर दिया, किसने रोमन रेंज से हेल्प मांगी और किसने रोमन रेंज को आज मक्खन लगाया, रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच क्या दिखा और लंबर जैक मैच में क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाई फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में एडम पियर्स रिंग में होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए शार्लेट फ्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एंट्री लेती हैं। अब एडम पियर्स बताते हैं कि बैकलैश में शार्लेट फ्लेयर की अपोनेंट रोंडा राउजी का वेलकम करिए। एडम पियर्स दोनों को बताते हैं कि बैकलैश में होने वाले मैच को ऑफिशियल बनाने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर आप दोनों के साइन चाहिए। ड्रू गुल्लक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही सीरियस लिया है। वो बताते हैं कि मैंने आई क्विट मैच के लिए कुछ रूल्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करी है। शार्लेट फ्लेयर उनको इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि अपनी नई जॉब शुरू करने से पहले ही एंड करना चाहते हो क्या, रोंडा राउजी बीच में बोलती हैं। तो शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि रोंडा राउजी, मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में हराया है और तुम यहाँ रूल सुनने आई हो, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, आई क्विट मैच का कोई रूल्स नहीं होता, अपने अपोनेंट को हराने का एक ही तरीका है, उससे आई क्विट कहलवाओ। फिर शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि तुमसे ये दो वर्ड कैसे बुलवाऊँ, तुम्हारे साइड फेस पर बिग बूट मार के, नो, फिगर फोर लगा के, नो, फिगर एट, काफ़ी पेनफुल होगा। खैर छोड़ो, रेसलमेनिया की तरह मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी जीतने का। रेसलमेनिया बैकलैश में तुमसे मैं इंग्लिश के दो सबसे ब्यूटीफुल वर्ड्स आई क्विट कहलवाऊंगी। शार्लेट फ्लेयर अब साइन कर देती हैं। रोंडा राउजी कहती हैं कि बैकलैश में मुझे शार्लेट फ्लेयर को गिराने से रोकने के लिए कोई रेफरी नहीं होगा। अब शार्लेट फ्लेयर हर बात में आई बीट इन रेसलमेनिया बोले जा रही थी। रोंडा राउजी कहती हैं, सब ने देखा तुमने टैप आउट करा और तुम कहोगी मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी टाइटल छोड़ने के लिए। तभी शार्लेट फ्लेयर टेबल को पलट के रोंडा राउजी पर स्टिक से अटैक कर देती हैं। तीन चार स्टिक खाने के बाद रोंडा राउजी फाइट बैक करते हुए स्टिक से शार्लेट फ्लेयर में मारना शुरू करती हैं। तभी ड्रू गुल्लक पीछे से आके रोंडा राउजी को पकड़ लेता है, स्टिक लेके फेंक देता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। फिर रोंडा राउजी ड्रू गुल्लक को आर्मबार लगाकर तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। इसमें भी खुजली है यार, लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर से मार खाई थी और इस वीक रोंडा राउजी से खा ली। अब हमें जेवियर वुड्स वर्सेस बुच के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच की शुरुआत होती है। शुरू में जेवियर वुड्स अच्छे से बुच को खर्चा पानी देते हैं। रिंग साइड शेमस हॉलैंड और कॉफी किंगस्टन भी मौजूद होते हैं। काफ़ी देर मार खाने के बाद बुच ने भी पलटवार करा और अच्छे से जेवियर वुड्स को खर्चा पानी दिया। काफ़ी देर वो हावी दिखाई दिए, कुछ अच्छे मूव्स भी बुच की साइड से देखने को मिले और बुच तो यार बड़े पागलपन में जेवियर वुड्स को मार दे रहे थे। खैर एंड में जेवियर वुड्स ने बुच को रोल करा और मैच जीत लिया। बुच लगातार दूसरी हार से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखे, मतलब बौखला गए थे वो। फिर वो क्राउड में से होते हुए जाने लगे तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा और फिर वो क्राउड में से होते हुए अपनी लगातार दूसरी हार के बाद निकल गए। अब बैक स्टेज हमें जिंदर महल और शेंकी रिकोशे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए, जहां शेंकी ने रिकोशे को टाइटल मैच के लिए चैलेंज करा और चैंपियन मान भी लेते हैं। इसके बाद हमें गुंथर वर्सेस टेडी के बीच मैच दिखा, जिस मैच में गुंथर की जीत हुई। अब हमें उसोस और आर के ब्रो के बीच अब तक जो कुछ हुआ उसका रिकैप दिखाया गया। वहीं बैक स्टेज ड्रू मैकइंटायर और आर के ब्रो आमने सामने आ जाते हैं। तभी रिडल इन दोनों को कूल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अपने मैच के बाद आज की रात हम ड्रू मैकइंटायर के लंबरजैक मैच में होने वाले हैं। सैमी ज़ेन ये सब बैठ के सुन लेते हैं। इसके बाद हमें जे उसो वर्सेस रिडल के बीच एक मैच दिखा। अच्छी बात यह है कि बैक स्टेज इस मैच को रोमन रेंज देख रहे थे। रिंग साइड जिम्मी उसो रैंडी ऑर्टन दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। तभी रिडल स्लीपर होल्ड जे उसो पर लगा देते हैं। हालांकि जे फाइट बैक करते हुए रिडल पर हावी हो जाते हैं। अब रिडल पलटवार करते हैं तो जे उसो रिंग छोड़ के बाहर निकलते हैं, बट जे उसो रिडल को स्टील स्टेप्स में और अनाउंस टेबल पर पटक देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच, कुछ अच्छे किकआउट्स भी देखने को मिले। वहीं जे उसो ने रिडल को नेक ब्रेकर दिया, वो देखने लायक था। एंड में रिडल जे उसो को रनिंग नी लगाते हैं। रिडल शायद आरकेओ की तैयारी में थे, बट जे उसो सुपर किक लगा देते हैं। जे उसो अब स्प्लैश लगाते हैं, रिडल अपने पैर लगा के रोल करके यहां मैच जीत ले जाते हैं। जे उसो की हार से रोमन रेंज बैक स्टेज खुश नहीं दिखाई दिए। अब हमें महिला टैग टीम चैंपियंस शाशा बैंक्स और नयोमी दिखाई दी। रिंग में कायला होती हैं। नयोमी कहती हैं कि महीनों पहले मुझे पता था कि मैं चैंपियन बनूंगी, हमने कार्मेला को हनीमून पर भेज दिया, रिहा रिप्लाई और लिव मॉर्गन को तोड़ के रख दिया है, अब कोई नहीं है हमारे लिए। तभी शायना और नटालिया आती हैं और वो इनको टाइटल के लिए चैलेंज कर देती हैं।
बैकस्टेज कॉर्बिन मॉस के साथ दिखाई दिए, जो कुछ हुआ उसके लिए वो पैचअप की कोशिश करते हैं, बट मॉस इसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं फिर से तुम्हारी साइड किक बनने के उतने चांसेस हैं जितने कि तुम्हारे टकले पे बाल उगने के। अब हमें मॉस वर्सेस गार्जा के बीच मैच दिखा। शुरू में ही मॉस को अपर हैंड मिलता है, कार्लियो इंटरप्ट की कोशिश करते हैं तो मॉस गार्जा को उठा के रिंग के बाहर कार्लियो पर फेंक देते हैं। मॉस बड़ी फुर्ती में दिखाई दिए, उन्होंने गार्जा को इस मैच में हरा दिया। मैच के बाद कॉर्बिन ने आके मॉस पर अटैक कर दिया, दे लात दे घुसे मॉस पर लगा दिए और एंड में एंड ऑफ डेज उनको लगा के रिंग में ढेर करके उनकी आंद्रे द जाइंट वाली ट्रॉफी लेके चले जाते हैं। अब समझ ये नहीं आता, ड्रू मैकइंटायर के साथ फ्यूड में थे तो तलवार लेके भागते थे और यहाँ अब ट्रॉफी लेके चले गए, उठाई गिरी है क्या? अब बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन दिखाई दिए, वो रोमन रेंस के लॉकर रूम में जाते हैं। रोमन रेंस, उसोस और पॉल हेमन सब एक साथ होते हैं। रोमन रेंस जे उसो की हार से परेशान थे, तभी हेमन कहते हैं कि सैमी ज़ेन डोर पर हैं। वो आके रोमन रेंस को अक्नॉलेज करते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने ड्रू मैकइंटायर आर के ब्रो को रोमन रेंस की फैमिली के बारे में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हुए सुना। सैमी ज़ेन कहते हैं मुझे अपनी रेपुटेशन वापस पाने के लिए ड्रू मैकइंटायर को हराना है और रोमन रेंस से वो हेल्प मांगते हैं। वो फिर रोमन रेंस को अक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस उसे पहचाने को छोड़ दे। रोमन रेंस सैमी ज़ेन के ऑफर को मान लेते हैं और उसे को ऑर्डर देते हैं कि इसे संभालो। नेक्स्ट वीक के लिए दो बड़े मैच अनाउंस होते हुए दिखाई दिए, पहला रिकोशे वर्सेस शेंकी के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, दूसरा रोंडा रोजियो शार्लेट फ्लेयर के बीच बीट द क्लॉक मैच के लिए। अब टाइम था ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच लंबरजैक मैच का। नाकामुरा, न्यू डे, आरके ब्रो, जिंदामल, शेंकी और काफ़ी सारे सुपरस्टार रिंग साइड आते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकइंटायर और सैमी ज़ेन की एंट्री हुई, उसके बाद उसोस ने एंट्री करी। ये देखकर सैमी ज़ेन बड़े खुश हो गए। बेल बजते ही सैमी ज़ेन रिंग से निकलकर बाहर आते हैं, न्यू डे उनको अंदर डाल देते हैं और वो फिर अंदर जाके फिर भागने की कोशिश करते हैं तो फिर कंधों पर उठा के उनको पैर अंदर डाल दिया जाता है। अब ड्रू मैकइंटायर उनको धोना शुरू करते हैं। सैमी ज़ेन अब ड्रू मैकइंटायर को हील साइड फेंक देते हैं, ड्रू मैकइंटायर में मार पड़ना शुरू हो जाती है। सैमी ज़ेन को यहां मौका मिल जाता है, वो फिर से ड्रू मैकइंटायर को शेमस हॉलैंड की साइड गिरा देते हैं। मार खा के ड्रू मैकइंटायर ने फिर रिंग में सैमी ज़ेन की क्लास लगा दी। अब ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे तो सैमी ज़ेन रिंग से बाहर निकल जाते हैं, तभी आरके ब्रो ने सैमी ज़ेन पर अटैक करा। उधर उसोस ने आके आरके ब्रो पर अटैक कर दिया और आरके ब्रो को ढेर कर दिया। ये करके उसोस टाइटल उठा के निकल जाते हैं और उधर न्यू डे, शेमस, हॉलैंड, नाकामुरा सब आपस में भिड़ जाते हैं। अब बेचारे वाइकिंग राइडर्स खड़े होकर ड्रामा देख रहे थे, क्योंकि वो तो किसी के साथ फ्यूड में है नहीं है जो आपस में लड़ें या भिड़ें। वो भी बहती नदी में हाथ साफ करने उन सभी के बीच में ही कूद जाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। सैमी ज़ेन को यहाँ मौका मिल जाता है, वो क्राउड में होकर भागने की कोशिश करते हैं। ड्रू मैकइंटायर पकड़ के रिंग में वापस लाते हैं, तभी जिंदा महल, शेंकी, शेमस ये सब ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर देते हैं। फिर इनके बीच बसड़ दिखती है, सैमी ज़ेन फिर गायब हो जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर को गुस्सा आता है, वो रिंग के बाहर भिड़ रहे सभी सुपरस्टार के ऊपर कूदते हैं। सैमी ज़ेन ने अब आओ दिखाना ताओ, वो निकलकर क्राउड से भाग जाते हैं। तभी एडम पियर्स ने आके इन दोनों के बीच नेक्स्ट वीक के लिए स्टील कैज मैच अनाउंस कर दिया। इसके बाद रिंग में जिंदा महल और शेंकी ड्रू मैकइंटायर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर भाई ड्रू मैकइंटायर हैं, उन्होंने जिंदा महल और शेंकी को फिर मार देकर रिंग से चलता कर दिया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। आज रोमन रेंस दिखे बट बैक स्टेज वो किसी भी तरह के इन रिंग एक्शन और ना ही वो किसी के साथ इन्वॉल्व दिखाई दिए, जिससे हम कह सकें कि बैकलैश में उनका अपोनेंट कौन होगा। अब बैकलैश से पहले दो ही स्मैकडाउन के एपिसोड बचे हैं। अब मैंने दो दिन पहले रोमन रेंस के इंजर्ड होने की वीडियो डाली थी, मैंने उसमें यह भी बताया था कि शायद लग रहा है कि वो अपना टाइटल बैकलैश में डिफेंड ना करें, कहीं ऐसा रियल में तो नहीं है। वो बात अलग है, वीडियोस पे व्यूज आते नहीं है तो ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, अब इसके लिए क्या करें। खैर कुछ टाइम में WWE का UK टूर भी है, वहाँ भी रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच दिखना है, तो देखते हैं वो वहाँ मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। या हो सकता है कि रोमन रेंस थोड़े बहुत इंजर्ड हों और UK टूर के लिए वो और ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाएं, इसलिए WWE रोमन रेंस को सेव कर रही हो। सैमी ज़ेन ने आज अच्छे से रोमन रेंस को उकसा दिया, जिसके बाद रोमन रेंस ने कहा कि मेरे शो पर लोग पीठ पीछे मेरे बारे में कैसे बात कर रहे हैं। शो ठीक था, मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर और सैमी ज़ेन के बीच मैच कैसा रहा वो छोड़ो, लंबरजैक मैच में मज़ा आया और सैमी ज़ेन ने बड़े मज़े कराए। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।